करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में रविवार को मनोहर लाल का रोड शो नीलोखेड़ी विधानसभा की तलावड़ी से शुरू होकर गोंदर गांव में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से वोट की अपील की। मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 20 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल और हिसार में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुरुक्षेत्र और सिरसा में होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दी। मनोहर लाल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हर लोकसभा में एक बड़ा नेता जरूर पहुंचे। इतनी बड़ी संख्या में गोंदर के निवासियों ने यहाँ यानी समस्त समाज सर्व समाज के लोगों ने आज मेरा स्वागत भी किया है और आश्वासन दिया है कि हम गोंदर के सब वोट और जो है दीपक के कमल के निशान के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी को देंगे, ताकि आपका जो भाई मनोहर लाल है बड़े वोट लेकर के यहाँ पार्लियामेंट में जाए, यहाँ की आवाज़ वहाँ उठाएंगे, विकास का काम कराएंगे और हरियाणा प्रदेश के भी जो काम हैं लगातार हमारी जो नई सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री जो अभी नायब सिंह सैनी उनके मंत्रिमंडल के माध्यम से हम सब काम इनके अगले दो महीने में भी और नई सरकार बनने के बाद भी इनके सारे काम इतना प्रभावी इतने ढंग से जैसे कार्यक्रम हो रहा है, इससे मैं गदगद मैं प्रसन्न हूँ और मुझे लगता है कि बड़े मार्जिन से हर बूथ पर हमको मार्जिन से। शाह जी का कल जो है करनाल में कार्यक्रम है और साथ में हिसार में भी है, इसी प्रकार हमेशा जी का एक कार्यक्रम और होगा झज्जर में, योगी जी के भी कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हैं और सिरसा में हैं, अलग अलग स्थानों के ऊपर बड़े नेता सब जा रहे हैं। हर एक लोकसभा में एक बड़े नेता का कार्यक्रम हो ऐसी हमारी योजना है, कहीं कहीं आवश्यकता पड़ने पर दो भी हों।